एक इंसिडेंट हुआ था छोटा सा, मैं वॉशरूम में था तो एक सब्सक्राइबर आया तो कह रहा अरे 500 में का, अरे अरे रुक जा यार एक मिनट तो रुक। जिस दिन ओटीटी का ऑफर आया अगले दिन मैंने इंटरव्यू दिया उनको, और उससे नेक्स्ट डे जब आगे की बात प्रोसीड होनी थी आगे, उससे एक रात पहले कोई गाड़ी आई घर के नीचे जिसमें 10-11 लड़के थे, लड़ाई झगड़ा करने आए, पता नहीं क्या करने आए। मैंने देखा कि भाई क्या चीजें चल रही है, तो सुबह जो मेरा मैनेजर है पुलकित वो मुझे कह रहा है भाई उठो ये करना है ये करना है। भाई बचे हैं कल रात को यार, मैंने सारी वीडियो प्राइवेट कर दी है, सारी अपनी इंस्टाग्राम की सारी फीड उड़ा दिया मैंने पूरी, एक जो छोटा सा था तब से फीड थी सब हटा दिया, क्योंकि कुछ नया लाना है कुछ नया दिखाना है, मैं लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन में चला गया था, मतलब मेरे को ये एंजाइटी डिप्रेशन जब लोग बोलते हैं ना, ये मुझे नहीं पता था क्या होता है। मैं मस्त रहने वाला बंदा, मस्त खाने वाला, मस्त घूमने वाला, मुझे ये समझ आया 10 महीनों में क्या होती है एंजाइटी, क्या होता है डिप्रेशन, क्या होता है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारी गलत चीजें शुरू कर दी थी, मैं बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लग गया था, बहुत ज्यादा, मतलब सुबह से रात तक, रात से सुबह तक। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। हीरो वो नहीं जो दुश्मनों के साथ ढिशुम ढिशुम कर रहा होता है, हीरो वो है जो टूटता है, गिरता है, बिखरता है, फिर एक बार अपने आप को खुद से समेट के एक माइंड ब्लोइंग कमबैक करता है। आज जो मेरे गेस्ट हैं उन पर ये लाइनें सटीक बैठती है, चलिए आपसे उन्हें मिलवा देती हूँ। हाय पारस, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताओ। सबसे पहले पारस रिलैक्स हो जाइए और दर्शकों को ये बता दीजिए कि इतने लंबे ब्रेक के बाद हाउ पारस इज फीलिंग नाउ? बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत टाइम बाद कम बैक कर रहा हूँ, अपनी चीजें कर रहा हूँ एक्चुअली जो करना चाह रहा था इतने टाइम से, कैमरा पकड़ना चाह रहा था, व्लॉग बनाना चाह रहा था, ये बहुत ये ड्यूरेशन ऐसा था जो था 8 मंथ्स भाई मेरे लिए, लेकिन ये 8 साल से भी ऊपर था, मतलब बहुत टफ था, बहुत टफ। फैंस को सॉरी कहना चाहोगे? हाँ मैं बिल्कुल सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि मजबूर था यार, मैं कोशिश कर रहा था आने की बार बार, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां ऐसी थी कि नहीं हो पा रहा था। और ये प्रॉमिस भी कर दो कि अब आ गया हूं तो जाऊंगा नहीं। नहीं नहीं अब नहीं जाऊंगा भाई, अब कंसिस्टेंसी ऐसी मिलेगी सबको कि अगर डेली व्लॉग आ रहा है तो डेली व्लॉग आ ही रहा है, कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ कोई मिस हो गया कुछ हो गया। अच्छा ये बताइए कि ब्रेक के पहले और ब्रेक के बाद इस पारस में अब कितना डिफरेंस है? ये पारस काफी मैच्योर है, ये पारस काफी अब कॉन्स्टेंट रहने वाला है, बहुत चीजें इस पारस ने सीखी अपनी लाइफ में, क्योंकि पहले सब कुछ ऐसा लगता था स्मूथली चल रहा है, सब चीजें अच्छी चल रही है, फैमिली अच्छी है, तो कुछ ऐसा मन नहीं होता था कुछ नया करने का, कुछ और एडवांस करने का, बट ये पारस कुछ ये क्या बिल्कुल ही अलग पारस हूँ अभी मैं, अभी मेरे बहुत सारे गोल्स हैं, लाइफ गोल्स हैं, तो बस उसी पे काम करना है अभी। तो ये पारस 2.0 हम कैसे? बिल्कुल बिल्कुल एक न्यू वर्जन सबको देखने को मिलेगा वो। जब भी किसी हीरो का नया वर्जन आता है ना वो अपने साथ कई क्वालिटीज लेके आता है, जैसे आप हनी सिंह के एल्बम को ही देख लीजिए, अगर मैं उससे आपसे कंपेयर करूं तो 2.0 आया, करीबन लगभग इतने सारे गाने और नया फ्यूजन देखने को मिला, क्या ऐसा ही कुछ हमें आपकी व्लॉगिंग्स में, आप जिस तरह से सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट डालते थे उसमें भी एक बड़ा चेंज आने वाला है? हाँ बहुत बड़ा बूम देखने को मिलने वाला है। पहले मेरे व्लॉग्स जो होते थे, वीडियोस जो होते थे, वो कुछ भी रिकॉर्ड करता था मैं, लाइक अभी आप आए हो ठीक है, तो ऑडियंस जो है ना वो कनेक्ट फील नहीं कर पाती, अगर मैं बताने लग जाऊं कि हाँ यहाँ पे ये आए हैं, इनसे मिल रहा हूँ, ये करो, अब ये आया, कोई ये आया, तो उस चीजों में बहुत चीजें मैंने सोची है कि कंटेंट जो होने वाला है मेरा पूरा रिलेटेबल रहने वाला है, जो अपनी इंडिया की 95% जो पॉपुलेशन है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली है, तो प्रॉपर वैसा कंटेंट मिलने वाला है, और बहुत सारे सॉन्ग्स आगे प्लान कर रखे हैं, और अपने ऊपर मैंने बहुत काम किया, सब जो लोग पहले से देखते हो देखते बहुत मोटा हो गया था मैं बीच में से, फेस इतना बड़ा हो गया था, तो खुद पे बहुत काम कर रहा हूँ और इसी को मतलब कंसिस्टेंसी में रखूंगा। चलिए आपके वर्कआउट पैटर्न इन सब के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं स्ट्रगल स्टोरी की। सबसे पहले कि मुझे लगता है दर्शक भी जानना चाहते हैं कि हु इज रियल पारस ठकराल? पारस अगर असली में अगर मैं बात करूं तो पारस वो है जिसको आज भी छोटी छोटी चीजें करना पसंद है, जिसको आज भी ई रिक्शा से ट्रेवल करना पसंद है, जिसको आज भी बाहर खड़े होके कचौरी खाना पसंद है, और बस लेकिन ये एक लाइफ स्टाइल हो जाता है ना कि तुम कोई चीज मेंटेन कर रहे हो, एक लग्जरी कार्स हो गया, ये सब चीजें हो गई, ये मेरे लिए ऐसा नहीं है कि हाँ भाई मैं लग्जरी में ही जाऊंगा, इसी में ही बैठूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अल्टो में ले जाओ उसी में भी बैठ जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे दोस्तों साथ घूमता हूँ, व्लॉग्स बनाते हो मेरे साथ, तो बस पारस वही है कि एक आज भी वही है, मेरे अंदर एक बचपना है, मैं बहुत ऐसी बातें भी ऐसी बोलता हूँ, मजाक भी ऐसी करता हूँ, दैट्स इट।
और अगर उस स्ट्रगल स्टोरी के बारे में बात करें, क्योंकि आज तो लगता है कि सब कुछ है, बैंक बैलेंस अच्छा खासा है, लेकिन जब नहीं था वहां से कैसे शुरुआत हुई? वहां से शुरुआत ऐसे हुई थी कि मेरे को पता नहीं था कि यार यूट्यूब में अर्निंग वर्निंग है। एक किसी बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया था। अच्छा। कुछ टैबलेट वैबलेट बेच के फिटनेस की, तो जिसकी वजह से मेरे को चेस्ट में एक छोटा सा कट आया था, गायन हो गई थी। तो मैंने वहां से शुरू किया था कि मैं लोगों को नॉलेज दूंगा, पब्लिक को हेल्थ के बारे में बताऊंगा, यार कोई किसी का धोखा ना कर सके। फिर मुझे पता चलता है कि यार ये तो मोनेटाइजेशन भी होता है, तो मोनेटाइज मतलब पैसा, अब पैसा भी आ रहा है और मेरा पैशन भी है। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज हो गई, पैशन भी प्रोफेशन बना लेते हैं, बढ़िया चलेगा। फिटनेस से शुरू किया, प्रैंक्स में आया, प्रैंक्स से काफी अच्छा पैसा आया, लेकिन फिर उसमें एक इज्जत नहीं थी, एक चाहिए था यार हाँ यार पारस है कोई, तो व्लॉग से मिली। बट फिर चीजें थोड़ी खराब हुई, थोड़ा चलते ही है लाइफ, अप एंड डाउन आते रहते हैं। वो सेल्फी स्टेज कब आई, जब लड़के आए और अरे पारस जी सेल्फी हो जाए, वो वाला दौर कब आया? वो तो स्टार्टिंग के इनिशियल टाइम में आ गया था, ऑलमोस्ट एक साल बाद ही। तो शुरू में तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि तुम कुछ खा रहे हो, बर्गर मुंह में है तुम्हारे, तो आ जाता है कि भाई ये। एक इंसिडेंट हुआ था छोटा सा, मैं वॉशरूम में था तो एक सब्सक्राइबर आया, तो कह रहा अरे पारस भाई, मैं कहा अरे रुक जा यार एक मिनट तो रुक। तो फिर ये ऐसी चीजें होती हैं, तो सब्सक्राइबर हैं वो प्यार करते हैं देखो, तो उनकी फीलिंग्स हैं। तो अब मैं सबसे मिलता हूँ, कभी भी कोई आता है नीचे, घर के नीचे भी आते हैं, तो गाड़ी भी रोक के मिलता हूँ रस्ते में। तो इस दौरान जब स्ट्रगल कर रहे थे, फैमिली सपोर्टिव थी, अपने सपोर्टिव थे? फैमिली तो सबसे बड़ी मेरी सपोर्टिव है, मतलब मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, उनको मैं, वो भगवान से भी ऊपर है मेरे लिए, मतलब वो उन्होंने हर चीज में सपोर्ट किया, बेटा जो कर रहा है, बच्चा जो कर रहा है तू कर, क्योंकि यार उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। पीछे से दादा परदादा पापा सब यार 10,000 की जॉब करते थे, उनको लगा कि हाँ अगर ये कर रहे चलो करने देते हैं। तो परिवार तो पूरा सपोर्टिव रहा है, कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे जिनके पास भी पैसे नहीं थे, बट वो भी काफी सपोर्टिव रहे। क्या प्लान है इसको, कितना बड़ा करना है इसको? बहुत बड़ा ड्रीम, तो इतना बड़ा अगर मैं बोलूंगा तो लोग हंसेंगे, लेकिन अभी मैं बोलना नहीं चाहता, कहते ना बोली हुई चीजें नहीं करके दिखानी, मन ही मन मैनिफेस्ट करते हैं। बहुत तगड़ा, बहुत कुछ, बहुत आगे जाना है। अच्छा, इस दौरान आपने कुछ अपॉर्चुनिटीज भी गवाई, व्हेन यू वर नॉट, सामने नहीं थे आप लोगों के, आप थोड़ा रेस्ट करना चाहते थे, मे बी आप अपने दिमाग को कहीं और लगाना चाहते थे, अपने को ढूंढ रहे थे आप। तो इस दौरान बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आई, हमने बिग बॉस सुना, जिसके लिए लोग, मुझे लगता है कि सारा काम धाम सब छोड़ के सिर्फ और सिर्फ उस पे लग जाते, वो लाइमलाइट से आप दूर रहे, इसका क्या कारण था? मेरे पास ओटीटी का ऑफर आया था, लेकिन उस ड्यूरेशन में मेरे साथ ऐसी चीजें चल रही थी कि जिस दिन ओटीटी का ऑफर आया अगले दिन मैंने इंटरव्यू दिया उनको, और उससे नेक्स्ट डे जब आगे की बात प्रोसीड होनी थी, आगे प्रोसीजर जो भी था, उससे एक रात पहले कोई गाड़ी आई घर के नीचे, जिसमें 10-11 लड़के थे, लड़ाई झगड़ा करने आए, पता नहीं क्या करने आए। तो मैंने देखा कि भाई क्या चीजें चल रही है, तो सुबह जो मेरा मैनेजर पुलकित, वो मुझे कह रहा है भाई उठो ये करना है ये करना है, भाई बचे हैं कल रात को यार, कुछ नहीं करना है अभी, कुछ नहीं जाना है मुझे बिग बॉस में। और बहुत सारे स्पॉन्सरशिप गए, पूरा वर्ल्ड कप गया मेरा, हर साल वर्ल्ड कप पूरा स्पॉन्सर रहता था पूरा, वो भी गया, बहुत नुकसान तो बहुत हुआ यार। अगर इस साल मेरे पास ऑफर आता है तो इस साल तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने मेरी जो ऑडियंस है ना यार, जो सब्सक्राइबर है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, और मेरे को उनको ना इस साल पूरा भर भर के कॉन्टेंट देना है। तो इस साल तो अगर अपॉर्चुनिटी आती भी है तो मैं नहीं जाऊंगा, तो बस अपने ऊपर काम करना है, लोगों को व्लॉग्स दिखाने हैं। तो अगर मैं बिग बॉस में जाऊंगा तो 3 महीने के लिए फिर सब छूट जाएगा मेरा, फिर से वापस मैं पीछे आ जाऊंगा। तो इस साल तो नहीं, हाँ नेक्स्ट ईयर पक्का, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है पक्का जाऊंगा। जब बहुत ही लो पीरियड चल रहा था, व्हाट इंस्पायर्ड यू कि आप कमबैक करो, कि नहीं यार अब तो आना ही है, मेरा बेटा, सिर्फ मेरा बेटा, मेरे पास दूसरा कोई रीजन ही नहीं था। कि मैं जब भी कुछ ऐसा सोचता था, नेगेटिविटी आती है इंसान के मन में ना, क्योंकि बहुत जगह से ऐसा चल रहा है कि यहाँ से तुम पैसों के लिए परेशान हो, यहाँ से कोई तुम्हें मारने आ रहा है, कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है, कोई कॉन्ट्रोवर्सी में लोग गाली दे रहे हैं तुम्हें रोज आके, तो तुम बहुत परेशान हो जाते हो वहाँ पे। बट एक ही चीज दिखती थी, वो खेलता हुआ आंखों के सामने, वो तो उसको देख के होता था यार इसके लिए तो करना है यार, इसके लिए तो जीना है, और सब चीजें कर देंगे। और उसी की वजह से सिर्फ एक वही इंसान ऐसा है, मतलब मेरा बेटा, जिसकी वजह से आज मैं ये सब कर पा रहा। अच्छा, सोशल मीडिया पर आपकी कहीं ना कहीं हमें पूरी जिंदगी देखने को मिल जाती है, जिस तरह से आप व्लॉग बनाते हैं कि आज घर में ये हो रहा है ये हो रहा है, कई बार एक नेगेटिव कमेंट्स छू जाते हैं, जिस तरह से आपके कभी कभार बेटे को भी के लिए भी कहा जाता है कि आप कंटेंट के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली बार जो ये लोग बोलते हैं ना कि अपने बेटे को कॉन्टेंट के लिए यूज कर रहे हो आप, तो आप इस चीज को समझना कि जो भी व्लॉगर्स हैं, जो भी, मतलब फिर तो सब गलत हुए ना, कोई अपनी बीवी को व्लॉग के लिए यूज कर रहा है,
कोई अपने पापा को लोग के लिए यूज कर रहा है, तो ऐसे सबके लिए बोलना शुरू कर दिया, अरे बेटा है, मैंने उसको जन्म दिया है, मतलब माँ जन्म देती है बट बाप तो मैं भी हूँ। तो ऐसे तो सब लोग ही गलत है भाई, कि किसी का बच्चा यूज कर, अरे भाई तूने उसका बच्चा यूज कर लिया, तूने उसकी बीवी यूज कर ली, तू अपनी माँ यूज कर रहा है भाई, तू अपनी माँ के नाम पे व्यूज खा रहा है। तो ये तो वो लोग होते हैं जो शायद घर में बैठ के रोज कोशिश करते हैं अपने बच्चे को थोपने की, बना बना लोग बना, उनका नहीं चलता है ना, तो फिर वो ऐसे ही कमेंट करते हैं। हेटर्स, या हेटर्स गोना हेट। अच्छा आपके, अब मैं सोशल मीडिया पेज पर जाती हूँ तो बहुत डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है ब्रेक के बाद, कई चीजें प्राइवेट हो चुकी हैं। कई चीजें नहीं, एक्चुअली मैंने बोला कि आपने, आप ही ने बोला कि पार्श अकाल 2.0, तो मैं चाहता ही नहीं कि ये चार दिन पहले से पहले की जर्नी जो भी थी, ये चार दिन जो भी बीत गए उससे पहले की कोई भी चीजें मैं नहीं चाहता पब्लिक को पता चले, कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई स्टोरीज, नथिंग। मैंने सारी वीडियो प्राइवेट कर दी है, सारी अपनी इंस्टाग्राम की सारी फीड उड़ा दी है मैंने, पूरी एक जो छोटा सा था तब से फीड थी सब हटा दिया, क्योंकि कुछ नया लाना है, कुछ नया दिखाना है, ये लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। पास्ट में जो हुआ उसको याद नहीं करना चाहते और उससे जुड़े लोगों को भी भुला देना चाहते हैं। पास्ट के लिए मैं यहाँ पे 5 मिनट भी बात नहीं करना चाहता, अपने 5 मिनट भी खराब करने वाली बात होगी अगर मैं यहाँ पास्ट की बात करूंगा तो, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने 8 मंथ 10 मंथ यहाँ पे खराब कर चुका हूँ, तो पास्ट की कोई बात नहीं करना चाहता, यानी 5 मिनट भी वेस्ट है मतलब मेरे, क्यों ही बात करनी है किसी की। अच्छा उस टाइम जब आप नहीं थे और आप नहीं आना चाहते थे सामने, तो बहुत नेगेटिव एकदम हेडलाइंस चलती थी कि पारस ने ये कर दिया, पारस ने वो कर दिया, पारस ने ये कर दिया, राइट टाइम का इंतजार कर रहे थे या किस चीज का इंतजार? मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ एक ना सलमान की मूवी है, वो कहता है कि रेस हमेशा से मेरी थी क्योंकि मैं इस रेस का सबसे पुराना खिलाड़ी हूँ, तो ये सच्चाई है, सबसे पहले मैं आया था, सबसे पहले मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी, उसके बाद यार साथ मिलके आज वर्षा आप हो, आप यहाँ आओ मेरे घर पे आओ, 4 दिन ब्लॉग बनाओ, आप भी पॉपुलर हो, आप ऑलरेडी हो बट एक ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में, आप ऑलरेडी हो लेकिन एक ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आप आओ, 4 दिन घर पे ब्लॉग बनाओ, पॉपुलर हो आप। तो मैं सबसे पहले शुरू किया था, एक वो लड़का जिसने धक्के खा के धूप में जल के सीपी में वीडियो बनाते थे, जब स्टार्टिंग में बस में खड़े होकर आता था हरियाणा से, चार घंटे बस में खड़े होकर जाता था, रात को 30 रुपए बचते थे मैगी खाने के लिए, तो मैंने वो दिन देखे हैं। और लोगों को बहुत इजीली मिल जाता है सब, आजकल लोगों को भाई बहुत इजीली इसलिए मिल जाता है, तुम किसी को बदनाम कर दो, कोई पॉपुलर बंदा है उसके बारे में 10-20 बातें बोल दो, मस्त तुम पॉपुलर, अब पैसा किसको आ रहा है, तुम्हें आ रहा है। तो ये नहीं किया मैंने, मैंने कभी किसी को बदनाम करके पहले पैसा नहीं कमाया, मेरी पूरी जर्नी 3 मिलियन तक सिंपल सी थी, मैंने किसी के लिए कुछ बोला नहीं, कभी हेट नहीं किसी के लिए, अपनी लाइफ में रहता था, मस्त रहता था, बट आजकल भाई बहुत इजीली मिल जाता है लोगों को, बहुत इजीली, तो सही है। अच्छा आपने जिस तरह से अपनी फोटोज प्राइवेट किए, कुछ फोटोज में नोटिस कर रही थी एल्विश यादव के साथ है, सौरभ जोशी के साथ है, वो आपने प्राइवेट नहीं किए, वो दिख रही है, क्या ये वही लोग हैं जब आपका डाउनफॉल चल रहा था तो आपके साथ थे? देखो खाली मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं करूंगा, बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जो यूट्यूबर नहीं है, जिन्होंने मुझे, जिनके पास कभी पैसे नहीं थे बट वो फिर भी मुझे अपनी तरफ से देते थे कि चल मेरे पास नहीं है, चल इधर से पकड़ा, इधर से पारस को दे दिया। Would you like to name them? हाँ अब बहुत सारे लोग हैं अब, लेकिन कुछ नाम रह जाएंगे तो ऐसे में पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि फिर एक दो लोगों की रहती है, अरे भाई मैं भी था यार, मैं भी था यार, तो ये चीजें होती हैं। तो सौरव ने मेरे लिए अभी जो लास्ट में भी किया है काफी अच्छा किया है, और वो ना एक यूट्यूबर छोड़ दो कि वो एक यूट्यूबर है, वो एक भाई है, छोटा भाई है, और वो पूरे हर वीक आता था, बैठता था, सुनता था, मैं रोता था उसके आगे, समझाता भी था वो कुछ चीजें कि शांत रहो, मैं कहा भाई वो नहीं शांत, तो ये कला सीख गए आप? अब मैं बिल्कुल सीख गया, कुछ भी हो रहा है ना, कुछ भी हो रहा है शांत रहो, जब हमारा टाइम आएगा ना भाई तब देखेंगे कि अब क्या करना है, तो सीख गया। और यूट्यूबर्स खाली नहीं होते, दोस्त भी होते हैं, एल्विश के साथ जो फोटो है, एल्विश से मैं मिला हूँ, एल्विश के साथ मैंने ब्लॉग बनाया है, मेरी गाड़ी की डिलीवरी पे आए थे भाई, तो वो फोटो बस इसलिए रखी है, तो एक दो लोगों के साथ ही है, बाकी तो सब हटा दिया मैंने, फैमिली के साथ भी हटा दी सब। ये जो आपने इतने नाम लिए अपने दोस्तों के, फेवरेट यूट्यूबर जो आपका हो? यूट्यूबर्स ना, दोस्त नहीं, यूट्यूबर्स। हाँ तो यूट्यूबर्स में तो सौरभ ही है, ठीक है, क्योंकि भाई है यार वो मेरा, मतलब कैसे नाम तो यूट्यूबर्स में आ जाता है भाई, तो फिर वो फेवरेट ही है, हमेशा से ही फेवरेट है, और हमारा बॉन्ड एक अलग है, लोगों को लगता है यूट्यूब जर्नी
ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जब ये यूट्यूब भी नहीं था तब से हम जानते हैं एक दूसरे को, तब से हम दोस्त हैं, भाई हैं। तो जब भी आता है, हर वीक आता है, वो मेरे घर पे भी रुकता है, तो वही है। और वर्स्ट कान में बता दो। वर्स्ट तो किसी का क्या ही नाम लेना है यार, वर्स्ट तो छोड़ो। माइनस में अगर किसी को नंबर देना चाहो कि भाई ब्लॉग बनाना बंद कर दे तू। नहीं यार, बुरा मान जाएंगे। नाम है, लेकिन नाम तो एक है, तो एक, एक ही है नाम बस। अच्छा, सबको पता भी है, होता है सबको, जनता को सब पता हो रहता है यार, जो लोग डेली देखते हैं उनको सब पता है कि। अच्छा, किसी बात का रिग्रेट है? रिग्रेट मुझे किसी भी बात का नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, किसी ने बोला था कि लाइफ में जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, तो मैं उस टाइम चुप था, ऐसे ऐसे था बस। कि बोलो, सेम पिंच, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस मुन्नी को ये आंसर है, जो है बढ़िया है, अच्छे के लिए है, और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जो पारस का व्लॉग्स को देखते हैं, सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। मैं जैसे कमेंट सेक्शन खोलता हूँ ना, मेरा दिल खुश हो जाता है कि ऐसा बाप जो भाई इतनी कर रहा है अपने बच्चे की, ये वो, मतलब सब पॉजिटिव, इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ मैं अभी। अच्छा, एक और बहुत प्यारी चीज हमने आपके व्लॉग्स में देखी है, आपका और आपके बेटे का जिस तरह से आप लोग गुनगुनाते हो, वो ऑडियंस को खूब पसंद आता है, तो मुझे लगता है कि आज वो हो जाना चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तो ये बस मैं उसको देखता था, लिटरली तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए यार, कुछ नहीं चाहिए सच में। चलिए पारस, हमें आपसे बात करके और आपकी लाइफ जर्नी के बारे में और साथ ही वो जो गुनगुनाया आपने, वो जो हिडन टैलेंट हमें देखने को मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।